I want to know, I'm told that these players were given a 200% raise in their salaries just before the World Cup. My question is, did they earn this raise? And who is responsible for taking these decisions? On what grounds was this raise given to them? How much was the raise? Somebody is saying that they get paid 50 lakh rupees a month in category approximately. A. Approximately. Afghanistan ne Pakistan ko 8 wicket se hara kar World Cup mein ek aur ulatpher kar diya. Is haar ke baad पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर उनके दिग्गज खिलाड़ी ही सवाल उठा रहे हैं। अब खिलाड़ियों की सैलरी 200% बढ़ाने पर भी सवाल उठाया गया है। पूछा गया कि किस आधार पर खिलाड़ियों को 200% तक की बढ़ोतरी दी गई। देखिए वीडियो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। A 200% raise in their salaries just before the World Cup. My question is, did they earn this raise? And who is responsible for taking these decisions? On what grounds was this raise given to them? How much was the raise? Somebody is saying that they get paid 50 lakh rupees a month in category approximately. A. Approximately 50 top lakh. Top three placed. A, top three. A aapki category. Okay. Yeah. So that's what Amna's question is. So Amna is asking, Nisma, let me bring this to you. Yeah. Kya ye 200% ka unki tankhahon mein increase hua hai World Cup se pehle? Number ek. Aur agar hua hai, to ye kis basis pe bunyad pe hua hai? Kya unki performance ka koi key performance indicators hain? Kis bunyad ke upar inko ye jo 200% ka increase hua hai, wo diya gaya hai? Lekin basically June mein end hota hai aapka previous jo center contract hai, aur July se aapka start hota hai. ये अभी रिसेंटली तो उसके बाद ज़ाहिर है 2 महीने ऊपर चले गए हैं और उस पिछले साल की परफॉर्मेंस पे आपकी जो भी रेज आपको मिलती है और जो भी आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे आपको मिलते हैं। ओवरऑल अगर कंपैरिजन करें दूसरी दुनिया के साथ तो अभी भी आपकी ये रेज के बाद भी कहीं जाके आप बड़ी मुश्किल से मैच कर रहे हैं कुछ टीमों को, जो अभी बड़ी टीमें हैं उनके तो खैर बहुत। कौन सी बड़ी टीमें? इंग्लैंड है, इंडिया है, आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका। कितना होगा कंपैरेटिवली जरा अगर हम इस पर मुआवजा करते हैं? I have no idea about them. So then if you have no idea, how can you say it is very less from them? मुझे इतना अंदाजा है कि हम लोग कहीं अभी भी श्रीलंका और इनको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश को। दूसरी जो टीमें हैं उनकी जो ओवरऑल सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या मैच फीसेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। बट उनकी बोर्ड की शायद अर्निंग्स भी ज़्यादा होंगी ना? मे बी बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज देयर बोर्ड्स आर अर्निंग मच मोर, यू हैव टू बी विद इन द रीजनेबल फीस वर्किंग। एक चीज़ मैं इस पर ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप दूसरों का एहसास करें, अगर आप इस लेवल पर चले ही गए थे, क्योंकि मैं इस पर ना एम्फसाइज इसलिए करना चाहता हूँ कि जो डिमांड थी इन प्लेयर्स की वो ये थी कि जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं उसमें जो आप शूट्स करते हैं स्पॉन्सर्स के लिए जो आईसीसी को जाते हैं, वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड टी20 हो गया, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का वो होता है, तो इसमें वो पैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं मिले प्लेयर्स को। राइट right. लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि उसमें से भी प्लेयर्स को परसेंटेज मिलनी चाहिए, जो कि सही है। जो चेयरमैन को कोई बात पता भी नहीं पहुंचती होगी। तो साइड्स दिस, तो ये अच्छी बात है। वसीम, एक सेकंड, सॉरी मैं इसी में शुएब, बट शुड देयर नॉट बी एनी परफॉर्मेंस अटैच्ड टू सच ए ह्यूज 200% पे स्केल रेज? देयर हैज टू बी समथिंग अटैच्ड टू इट, राइट? मैं दूसरे उस पे जवाब दे रहा हूं, फिर इस पे आता हूं। तो ये चीज है, ये फर्स्ट टाइम हुई, ठीक है। हां, अगर आप इस लेवल तक चले गए थे बहुत अच्छी चीज है, ये प्लेयर्स का हक है, क्योंकि प्लेयर्स की वजह से ये पैसे आते हैं पाकिस्तान में, ये सारे खेले हैं, बहुत सारा नाम कमाया है पाकिस्तान के लिए। तो आप ये इसको इस तरह भी लेके जाते हैं कि जो आपके नीचे के क्रिकेटर्स हैं, जो आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हैं, जो जिन्होंने कल को पाकिस्तान के लिए खेलना है, उनके लिए भी फाइट करते, उनके लिए भी इसमें से परसेंटेज जानी point. चाहिए थी। वेरी गुड पॉइंट। व्हाई जस्ट फॉर योरसेल्फ? Why not for the cricketers? आपको बल्कि थोड़े से और करना चाहिए था, सैक्रिफाइस हो गए थे यार, जो डोमेस्टिक वाले नीचे वाले उनको जरा हिस्सा दें इसके अंदर। हमें तो इश्तेहार भी मिल जाते हैं करोड़ों रुपए के, हमें तो तीन तीन चार चार करोड़ रुपए का टेलीविजन कमर्शियल भी मिल रहा है ना। For an athlete to live a professional life, it's not easy at all. And I know your personal story, so I know a lot of these personal stories, so I understand ke this, it's a real struggle for an athlete. If you have race, बहुत अच्छी चीज इन्होंने रेस की, very good point. बॉटम तक जानी चाहिए, वो सिर्फ ऊपर। एक और चीज भी है, हम कल क्रिकेटर्स एसोसिएशंस की बात कर रहे थे, बिल्कुल। तो जिस मुल्क की क्रिकेटर्स एसोसिएशन बनी हुई है उसमें से जितनी भी आईसीसी से अर्निंग आती है उस एसोसिएशन को भी सर्टेन परसेंटेज जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे एसोसिएशन में नहीं है, अगर बनती है तो नेशनली क्रिकेट बोर्ड को उसको फाइनेंस करना पड़ेगा।